अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं पाक दुबई टीवी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पीटीआई की शानदार जीत, जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। और इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो उन्होंने खुले दिल से तस्लीम किया। पीटीआई ने इन इंतखाबात में 15 सीट्स हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 4 और एक आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। इस तरह पीटीआई ने ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून को शिकस्त दी, बल्कि नून लीग का जो पंजाब में होल्ड था, मुस्लिम लीग नून को उखाड़ दिया। और जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का टेन्योर ख़त्म हुआ और चौधरी परवेज़ इलाही 22 जुलाई को वजारत आला का हल्फ उठा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के हारने की वजूहात जो मेरी नज़र में हैं, वो इमरान खान के बयानिए की कामयाबी। इमरान खान ने ना सिर्फ बयानिया बनाया, बल्कि उस बयानिए को इलेक्शन कम्पेन के ज़रिए घर घर पहुँचाया, जो कि उनकी कामयाबी है। हालांकि मैं उनके जो ये साजिश का बयानी है, गद्दारी का बयानिया जो उन्होंने बनाया, मैं उससे इतफाक़ नहीं करता, लेकिन अवाम ने इमरान खान साहब के इस बयानिए को बाय किया। और ये सबसे पहली वजह है मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की। दूसरा, मरियम नवाज़ मुस्लिम लीग नून और नून लीग की सोशल मीडिया टीम ने इमरान खान साहब की इस बयानी को काउंटर नहीं किया। इसके अलावा जो करप्शन के इल्ज़ाम, बड़े बड़े इल्ज़ाम पीटीआई गवर्नमेंट पे और जो उस्मान बुज़दार पे लगे हैं, जो सामने आए हैं, तो मुस्लिम लीग नून उन इल्ज़ाम को कैश कराने में नाकाम रही। एक और वजह मुस्लिम लीग नून के हारने की कि मुस्लिम लीग नून ने सारे उन लोगों को टिकट्स दिए जो 2018 में पीटीआई के टिकट पे लड़े और जीते, और कुछ आज़ाद अरकान जो बाद में पीटीआई में जिन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और इमरान खान साहब का बयानिया उनके खिलाफ कि ये लोटे हैं, ये गद्दार हैं, वो बयानिया काम कर गया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अपने जो उनके वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो उनके रहनुमा थे हलकों से, उनको टोटली नज़रअंदाज किया। उन लोगों को जिन्होंने 4 साल तक मुस्लिम लीग नून का साथ दिया और 4 साल सख्तियाँ बर्दाश्त की, जिसकी वजह से हलकों में मुस्लिम लीग नून में डिवीजन पैदा हुई और मुस्लिम लीग नून जो उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था, उसको मेंटेन रखने में नाकाम रही। मरियम नवाज़ ने कम्पेन को रन किया, ये मरियम नवाज़ का एक इम्तहान था, जो इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज़ ने लीड किया, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हारी। और अब ये ज़िमनी इंतखाबात जो कि मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अहम थे, उनमें भी मरियम नवाज़ ने कम्पेन रन की, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, चौथा जो एक अहम फैक्टर है वो महंगाई है। मुस्लिम लीग नून ने महंगाई के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च किया, जबकि हुकूमत में आने के बाद उन्होंने चंद दिनों में 100 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। और पेट्रोल 2, 4, 5 रुपये महंगा होता था, और इमरान खान साहब ये जब जस्टिफिकेशन देते थे कि इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून और इनकी जो इत्तेहादी हैं, ये मानने को तैयार नहीं थे, जबकि हुकूमत में आने के बाद इन्होंने चंद दिनों में 100 रुपये तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, जिसकी वजह से अवाम इनसे मुतनफ़र नज़र आए, जिसका इजहार अवाम ने ये वोट इस इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ देकर ज़ाहिर किया। इन इलेक्शन के बारे में नाज़रीन, जो सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनके तजज़िये ना सिर्फ गलत साबित हुए, बल्कि उल्टे साबित हुए। सबका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून 13 से 14 सीटें लेने में कामयाब होगी, लेकिन पीटीआई ने 15 सीट्स हासिल की और मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो भी टोटली गलत साबित हुई, और ये पीटीआई ने और इमरान खान ने सरप्राइज़ किया, और सबसे बढ़ के अवाम ने सरप्राइज़ किया कि उन्होंने पीटीआई को उनकी 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद उनको वोट दिया और इन इलेक्शंस में उनको कामयाब किया। तहरीक आदम एतमाद के बाद ये नज़र आ रहा था कि जो इस सारे प्रोसेस में जो सबसे बड़ा लूज़र है वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं,
जब उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत की जो उनकी आफर थी वजारत आला की वो ठुकराई और वो इमरान खान साहब के कैम्प में चले गए। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी लूज़र बन के सामने आई है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश प्राइम मिनिस्टर बनने की मुस्लिम लीग नून को ले डूबी। मुस्लिम लीग नून को और ये जो इत्तेहादी हैं इनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इनको इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका इनको सामने नज़र आ रहा है। और हालात मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं, इकॉनमी के बुरे हालात हैं, रुपये की कदर में डे बाई डे कमी आ रही है, जिसकी वजह से जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो मज़ीद बढ़ने के खदशात हैं। तो आगे जो सियासी नुकसान मुस्लिम लीग नून का हो चुका है, आगे मज़ीद इकॉनमी के हालात को देखते हुए आगे मुस्लिम लीग नून को मज़ीद सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। और सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और अब मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो इलेक्शन में चले जाएं, लेकिन उनका अब इलेक्शन में जाना भी उनके लिए बेहतर नहीं होगा। नाज़रीन, अब आखिर में इमरान खान साहब ने जो इस कम्पेन के दौरान इल्ज़ाम लगाए मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इलेक्शन कमीशन पे, वो इल्ज़ाम बेबुनियाद साबित हुए। जबकि और अब इमरान खान साहब को इदारों के सरबराहों को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो बेबुनियाद इल्ज़ाम उन्होंने लगाए इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद, उनके इल्ज़ाम गलत साबित हुए। और इमरान खान साहब को इनसे इलेक्शन कमीशन से मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जिन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, आज इतना ही, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।